नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रोफेसर डॉक्टर ए के सिंह। सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, आज का टॉपिक का मुद्दा यही है। कोरोना के मरीज में, कोविड 19 से इन्फेक्टेड पेशेंट में सीआरपी यानी कि क्रोनिक रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, जो कि सबसे कॉमनली यूज होता है, उसका क्या वैल्यू है, वो क्यों कराते हैं, उसको एक सामान्य व्यक्ति अगर डॉक्टर की उपलब्धता ना हो तो उसको कैसे पढ़ सकता है, इन सारी बातों को आज इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये सीआरपी टेस्ट होता क्या है? सीआरपी स्टैंड फॉर सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि इन्फ्लामेशन, सामान्य बोलचाल की भाषा में बोले तो इंसेक्ट, हमारे लीवर द्वारा बनाया जाता है। लीवर में हिपेटोसाइट सेल्स होती है जो कि किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन हो या बॉडी के इंसल्ट की जो कंडीशन हो, इम्यून सिस्टम को जब भी चैलेंजेस आते हैं तो हमारा लीवर जो है वो प्रोटेक्टिव फिनोमिना के तहत ये सी प्रोटीन बनाता है। कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियों में ये सी प्रोटीन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है और इसी प्रोटीन की मात्रा को ब्लड में डिटेक्ट करके हमारे डॉक्टर एक अंदाज़ा लगाते हैं कि इन्फेक्शन का लेवल क्या है। इसकी खोज 1930 में, यानी कि लगभग आज से 90 साल पहले, विलियम एस्ले एंड थॉमस फ्रांसिस ने की थी। उस समय की टेक्निक कुछ और थी। ये टेस्ट 90 साल बाद भी आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है और करने के तरीके में काफ़ी बदलाव आ चुका है। तो दोस्तों, ये था कि सी प्रोटीन होता क्या है। अब हम देखते हैं इसे कब कराते हैं। जो सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है ये कुछ डिजीजेस में खास तौर से बढ़ जाता है, जैसे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस, बैक्टीरियल डिजीजेस जैसे ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, वायरल डिजीजेस, प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाने वाली, ऑटो इम्यून डिजीजेस एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। इसके अलावा और भी कई डिजीजेस में इसका एक रोल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है, इट्स नॉट अ स्पेसिफिक टेस्ट, इट्स जस्ट हैविंग अ डायग्नोस्टिक वैल्यू। और इसकी वैल्यू में, इसमें जितनी तेज़ी से ये बढ़ता है उतनी ही तेज़ी से ये नीचे भी आता है। अमूमन कोरोना इन्फेक्शन होने के 3 से 4 दिन के बाद सी प्रोटीन टेस्ट कराना चाहिए उस समय, और ये 6 घंटे में और 2 से 3 दिन में ये अपने पीक पर पहुंचता है। ब्लड कैंसर, मल्टीपल मायलोमा और लिम्फोमा, इन केसेस में इसकी वैल्यू एक्सट्रीमली हाई हो जाती है। सीआरपी जितनी तेज़ी से बढ़ता है उतनी ही तेज़ी से घटता भी है, तो रियल टाइम डाटा जैसी कोई चीज़ इसमें देखी जा सकती है। दोस्तों, सीआरपी की अधिकता यानी कि साइटोकाइनिन स्टॉर्म भी आ सकता है। साइटोकाइनिन स्टॉर्म मीन्स कि बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्शन पे आ जाता है और उसके थ्रू, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में अगर उसे नहीं रोका गया तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिस्टम एंड दैट लीड्स टू मल्टी ऑर्गन फेलियर्स। तो ये एक काफ़ी अच्छा मार्कर है। तो इसे कब कराएं? कोरोना डायग्नोस होने के 3 से 4 दिनों के बाद इसे कराना चाहिए। सी रिएक्टिव प्रोटीन की कोरोना में जो इसके रेलिवेंस है, ये इसकी डायग्नोस्टिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। पेशेंट कितना तेज़ी से रिकवर हो रहा है या इन्फेक्शन कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, ये 5 से 6 घंटे के चेंजेस को भी टेस्ट में बता सकता है। कंपेरेटिवली थोड़ा सस्ता टेस्ट होता है, 300 से 400 इसकी लागत आती है। नॉर्मल वैल्यू मिलीग्राम पर लीटर, 3 से 10 तक नॉन सिम्टोमेटिक मानते हैं इन द केस ऑफ कोरोना, 10 से 26 के बीच में वेरी माइल्ड, 26 से 100 के बीच में मॉडरेट। दोस्तों, ऐसे मरीजों का इलाज नॉर्मल वार्ड में हो सकता है, 100 से ऊपर के मरीजों को आईसीयू या वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है। मॉडरेट माना जाता है और ऐसे मरीजों का ट्रीटमेंट वार्ड में ही हो सकता है। घबराने की बात कब होती है? अगर सीआरपी की वैल्यू 100 से ज़्यादा है तो ऐसे पेशेंट को तुरंत आईसीयू और भविष्य में हो सकता है वेंटिलेटर की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इस टेस्ट की प्री कंडीशन क्या होती है? दोस्तों, इस टेस्ट की प्री कंडीशन कुछ भी नहीं होती है। किसी फास्टिंग या किसी ड्यूरेशन इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसका सैंपल कभी भी दिया जा सकता है। इसके 2 मेथड्स होते हैं। पहला प्रोटोटाइप एग्लूटेशन मेथड होता है जो कि कॉमन छोटी लैब्स में
या फिर इन हाउस हॉस्पिटल्स के छोटे हॉस्पिटल्स के अंदर जो लैब होती है वहाँ पे ये करते हैं, कार्ड सिस्टम में एंटीजन रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। ये केवल पॉजिटिव और निगेटिव का वैल्यू दे सकती है, तो इसके आज के समय में कोई बहुत बड़ा मायने नहीं है। जो अच्छी स्टैंडर्ड्स रेपुटेटेड लैब्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के जो स्टैंडर्ड लैब्स हैं, उनमें इसको इम्यूनोटेबुलेटरी या नेफ्लोमेट्री विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि द्वारा इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जा सकता है। क्वांटिटेटिव मतलब इसकी मात्रा कितने मिलीग्राम पर ml या कितने मिलीग्राम पर डेसी ml है, जो वैल्यू की हम बात कर रहे थे, वो इसी विधि द्वारा निकाला जा सकता है। तो अच्छी लैब का चयन करें। वैल्यू को देखने के लिए कई लैब्स मिलीग्राम पर ml या दूसरी लैब्स मिलीग्राम पर DCDL यानी कि डेसीलीटर में देती है, तो उसको आपको चेक करना होगा। अकॉर्डिंगली वैल्यू उसके हिसाब से बदलते रहे। दोस्तों, CRP का एक ऊपर का लेवल भी होता है, जिसको HSCRP HS हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट बोलते हैं। ये कोरोना में इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज में होता है, ये सुपर सेंसिटिव होता है, 3 ग्राम से कम के नीचे की भी प्रोटीन को ये चेक कर लेता है। ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेस या फिर नर्व कार्डियो वेसल्स में जैसे ही थोड़ी सी भी स्क्लेरोसिस शुरू होती है या डिपॉजिशन, तो ये उस समय उसको चेक कर लेता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी CRP के बारे में। दूसरी बात, ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपको बता रही है कि आपको कभी फैसला खुद लेना पड़े, डॉक्टर बेड या हॉस्पिटल ना मिल पाए, तो आप खुद कैसे अपने या अपनों की हेल्प करें। एक बात और दोस्तों, जो भी सरकारी डाटा आ रहा है, जिन भी एजेंसीज़ के थ्रू आ रहा है, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा कंट्री है, दुनिया का सबसे डेंस पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में एक है, दूसरे नंबर की आबादी है, तो जो डाटा आ रहा है कि लोग 20,000 मर रहे हैं या 25,000 मर रहे हैं या लोग 2 लाख 3 लाख या 2.5 लाख या 4 लाख इन्फेक्टेड हो रहे हैं, एक बार अपने दिल से पूछिए, फ़ोन उठाइए, फ़ोन बुक से कोई भी नंबर निकालिए, मिलाइए 20 से 25 लोगों के नाम, 50 लोगों के नाम, हर व्यक्ति उसके जानने वाले आज की डेट में इन्फेक्टेड है, लोग अगल बगल 4-5 लोग सभी के जानने वाले इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, ऐसा हमें लगता है। और तो ज़रा सोच के देखिए कि क्या ये संख्या उतनी ही होगी जितने समाचार पत्रों या मीडिया के माध्यम से हमें मिल रहा है। दूसरी चीज, जितने भी हेल्प पोर्टल आ रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, उनके नंबरों को एक बार मिला के देखिए। आज 8 मई 9 मई को ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 99% नंबर्स पे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। खैर, किसी के विद्रोह या किसी के लिए बुराई की बातें नहीं कर रहे हैं, जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, जो लोग हैं, वो लोग भी अपनी बहुत दबाव में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें आपको उस समय हेल्प के लिए हैं जब आपको कोई सुविधा ना मिल पाए, आपको बेड ना मिल पाए, आपको अपने फैमिली डॉक्टर तक से भी सलाह ना मिल पाए, तो आप इन वीडियो के माध्यम से अपने या अपनों की मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़रूरतमंदों में इसको फैलाइए, ये एक काम की चीज़ है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जितना हो सके इस संदेश को फैलाइए। आपका हर एक जो लाइक कमेंट है, ये सब हम लोग का हौसला बढ़ाता है। और ये मेरा नंबर है, आपको कोई भी हेस्टेशन तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें। जिन टॉपिक्स पर और वीडियो चाहते हैं, उन टॉपिक का नाम हमें मैसेज कर दें या कमेंट बॉक्स में लिख दें। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के द्वारा चुने ही हुए टॉपिक्स में से एक ये वीडियो बन रही है। तो दोस्तों, मैसेज एक बार फिर है, हम जीतेंगे और ज़रूर जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।